नया IBN 7 हौसला है। और आइए अब शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। दिल्ली में न्याय व्यवस्था में सुधार को लेकर हुई बैठक में मुख्यमंत्रियों समेत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस HL दत्तू ने की। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में न्यायिक सुधार के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के इस कॉन्फ्रेंस को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में न्यायपालिका में सुधार को लेकर कई बातें भी कही। जजों और मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जजों को भगवान का दर्जा देते हुए कहा है कि न्यायपालिका में सरकार और नेताओं का कोई दखल नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि न्याय क्षेत्र में काम साधारण नहीं है। भले ही जज आम लोगों के बीच से आए हों, लेकिन ईश्वर ने उन्हें दैवीय काम के लिए चुना है। उन्होंने जजेस से कहा कि हम गलती करते हैं तो सुधार का मौका होता है, लेकिन आपको दूसरा मौका नहीं मिलता। गैर जरूरी कानूनों को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए जजों और मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो रोज एक कानून खत्म करने की कोशिश में लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि एक तरफ जहां नेताओं के काम पर सभी की निगाह रहती है, तो वहीं न्यायपालिका के काम की आलोचना नहीं होती। इसलिए न्यायपालिका को कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे उनके कामकाज की भी समीक्षा होती रहे। प्रधानमंत्री ने ये बात कहकर एक बार फिर से उस बहस को छेड़ दिया है जो कि न्यायपालिका से जुड़े लोग लंबे अरसे से उठाते आए हैं। उनका मानना है कि लोग इस वजह से न्यायपालिका पर टिप्पणी करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें अवमानना का डर सताता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस HL दत्तू का यह मानना है कि न्यायपालिका की समीक्षा के लिए जरूरी नियम मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अपने मातहत आने वाले न्यायाधीशों के कामकाज की समीक्षा करते रहते हैं। पिछले दिनों न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की कई खबरें आई थी, लेकिन सवाल यही है कि ऐसे मामलों की सुनवाई आखिर कहां होगी। प्रधानमंत्री के संबोधन में लगा कि अब जुडिशियरी की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए कानून पर विचार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को भारत सरकार न्याय की व्यवस्था में लाने का विचार कर रही है। इससे व्यवस्था में तमाम सुधार होंगे। उनका यह भी कहना था कि हम ताकतवर हो रहे हैं, लेकिन परफेक्ट होना जरूरी है। न्याय की व्यवस्था सशक्त भी हो, समर्थ भी हो। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रिब्यूनल व्यवस्था पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा है कि ट्रिब्यूनल की संख्या 100 के आसपास हो गई है। उन्होंने इतने ट्रिब्यूनल हो गए हैं कि काफी बजट इस पर ही खर्च हो जाता है। जजेस को इन ट्रिब्यूनल्स के बारे में विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने न्याय क्षेत्र में भी शोध की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि क्राइम का स्वरूप बदल रहा है, हमें इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। राज्यों को लॉ कॉलेज में सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने साइबर क्राइम पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही। प्रधानमंत्री द्वारा जजों को दैवी कहने पर पूर्व जस्टिस मार्कंडेय कार्जुन ने सवाल उठाए। ट्वीट करके भ्रष्टाचार पर फंसे जजों को दैवी कहना गलत है, उन्होंने कहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र भी किया है। 24 अदालतों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के बाद न्यायमूर्ति दत्तू ने संवाददाताओं से कहा, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि 5 साल के बाद कोई मामला लंबित ना रहे। पुराने मुकदमों के लिए 5 साल अधिकतम सीमा है। दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए रविवार को दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन 1031 की शुरुआत की है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों, विधायकों और बड़ी संख्या में अपने समर्थकों की मौजूदगी में हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन 1031 की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोला कि दिल्ली अगले 5 साल में दुनिया के भ्रष्टाचार मुक्त शहरों में गिनी जाएगी, लेकिन भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम के आयोजन पर विवाद भी शुरू हो चुका है। दिल्ली सरकार के इस आयोजन के दौरान आम आदमी पार्टी का VIP कल्चर विवादों की वजह बन गया। दरअसल आयोजन वाली जगह पर पहुंचने के लिए बकायदा VIP और VVIP गेट बनाए गए थे, जो विवाद की वजह बने। आम आदमी पार्टी के इस VIP कल्चर पर कांग्रेस ने जमकर हमला किया। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अब आम से खास हो गए हैं। ये पहले कहते थे VIP कल्चर खत्म करेंगे, अब क्या हुआ। माकन ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक बनकर खुश नहीं हो और उन्हें और भी पद चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने कहा है कि जितना बड़ा राजनीतिक करप्शन पिछले 40 दिनों में आम आदमी पार्टी में दिखाई दिया है, उसके बाद उनसे ईमानदारी की उम्मीद करना बेकार है। इधर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन और VIP कल्चर पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आम आदमी पार्टी पहले भी इस तरह के ड्रामे कर चुकी है। इधर स्टिंग करवाने वालों का खुद स्टिंग हो चुका है। उन्होंने VIP कल्चर पर निशाना साधते हुए कहा कि चलो शुक्र है कि मेट्रो से आने की नौटंकी तो अब खत्म हुई।
विपक्ष भले ही हमलावर हो लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सरकार का बचाव करते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव से पहले वायदे किए थे उन्हें पूरा कर रही है। जनता दल के विलय की कोशिशें अब तेज हो गई हैं। विलय को लेकर दिल्ली में जहां मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार ने मुलाकात की तो वहीं बिहार में आरजेडी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विलय का फैसला ले लिया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कार्यकारिणी की खत्म होने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के जनता दल में विलय का ऐलान कर दिया। हालांकि जनता परिवार के नए नाम की घोषणा अभी नहीं की गई है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इस फैसले की औपचारिक घोषणा मुलायम सिंह यादव करेंगे। लालू प्रसाद यादव ने जनता परिवार के विलय को हिंदुस्तान की मांग बताते हुए नया नारा दिया, एक झंडा एक निशान, बीजेपी को भगाने के लिए मांग रहा हिंदुस्तान। इस मौके पर लालू ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। लालू ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी की सरकार किसान विरोधी है। लालू ने कहा है कि बिहार के चुनाव पर अब पूरे देश की नजर है, बीजेपी डरी हुई है और इसीलिए वो बिहार में जंगल राज की बात कर रही है। विलय को लेकर दिल्ली में नीतीश कुमार मुलायम सिंह यादव से उनके घर पर मिले। बैठक के बाद नीतीश बोले, विलय के बारे में सिद्धांतिक सहमति हो चुकी है, मुलायम सिंह यादव को अधिकृत किया जा चुका है, सब लोग आपस में मिल रहे हैं, जल्द ही एक औपचारिक बैठक मुलायम सिंह यादव बुलाएंगे। जनता दल विलय के मुद्दे पर आईबीएन 7 से खास बातचीत में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव बोले कि सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई है और 20 अप्रैल को जनता परिवार के विलय का ऐलान हो जाएगा। आरजेडी के जनता दल में विलय के ऐलान पर बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने कहा कि लालू के पास बचा ही क्या है, जनता है नहीं, नेता है नहीं, तो केवल जनता में उपस्थिति के लिए लालू विलय का सहारा ले रहे हैं, बीजेपी पर इस विलय का कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि जनता परिवार बन रहा है, परिवार है लेकिन जनता नहीं है, ये पूरी तरह से निगेटिविटी का मिलन है। जो लोग मिल रहे हैं उनमें से किसी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है तो किसी पर कुछ और मुद्दे हैं। लोग हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ये आखिर कैसे होगा, ये केवल एक मौका परस्ती का गठबंधन है। फिर गोरखपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खून से खत लिखकर राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम खून से एक खत लिखा। खत में उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी के हाथ में पार्टी की बागडोर सौंपने की अपील की ताकि कांग्रेस अपने खोए जनाधार को वापस हासिल कर सके। दरअसल कांग्रेस दिनों दिन गिरते जनाधार को बचाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने अब राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रियंका को महासचिव बनाने की मांग शुरू कर दी है। लोकसभा में करारी हार के बाद कांग्रेस के ही कई लोगों ने राहुल को हटाकर प्रियंका को लाने की भी बात कही थी। दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा संगम जो चल रहा है, इस बैठक को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया। दिल्ली में चल रहे आरएसएस के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा संगम कार्यक्रम में बोलते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों से ज्यादा लोगों को जोड़ने का आह्वान किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मायावती ने अखिलेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। उनका यह भी कहना था कि अखिलेश सरकार की साख तेजी से घटती जा रही है। मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव के समय किए गए वायदों को सरकार पूरा नहीं कर रही है। मायावती ने भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में कहा है कि उनकी पार्टी इस बिल का विरोध करती रहेगी। मायावती पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने कहा है कि बीएसपी के कार्यकाल में ही प्रदेश सबसे ज्यादा अराजकता यहां पर फैली हुई थी और उसी के शासनकाल में ही लोगों की जेल में हत्याएं की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार गुंडों की सरकार है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं के पेपर ऐसे आ रहे हैं जो लीक हो रहे हैं और निकम्मी सरकार में ये पेपर लीक होते जा रहे हैं। बिहार के नालंदा में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर जेडीयू विधायक आनंद सिंह परिवार और उनके समेत उनके हत्या की साजिश रच रहे हैं। बिहार के सुपौल में राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा का पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने माल्यार्पण किया और इससे विवाद खड़ा हो गया। लोहिया विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने मांझी के माल्यार्पण पर विरोध जताया है और कहा है कि मांझी समाजवादी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नेशनल साइकिलिंग 2015 के आयोजन के मौके पर लोगों से ज्यादा साइकिल चलाने की अपील की। अखिलेश ने कहा कि अब हर किसी को पर्यावरण के लिए जागरूक होना होगा। तेलंगाना में शनिवार को मुठभेड़ में मारे गए सीमी आतंकवादियों असलम और एजाजुद्दीन के तार लखनऊ के तीसरे हत्याकांड से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इसका खुलासा भी किया गया है। लखनऊ के बाबूगंज में मौजूद एचडीएफसी बैंक में एटीएम में बीती फरवरी माह में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी और 51 लाख रुपए लूट लिए गए थे।
दिल्ली के विवेक विहार में 19 साल की एक छात्रा के साथ गैंगरेप का आरोप उसी के दोस्तों पर लगा है। आरोपों के मुताबिक पीड़ित के स्कूली दोस्तों ने उसे पार्टी के बहाने घर पर बुलाया, लेकिन पार्टी खत्म होने से पहले उसे बंधक बना लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है जबकि एक फरार है। दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना इलाके में एक महिला के साथ पड़ोसी द्वारा रेप की घटना सामने आई है। चश्मदीदों के मुताबिक चाकू की नोक पर पड़ोसी ने महिला के साथ रेप किया है। उसके बाद लोगों ने रेप के आरोपी सोनम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद फिदायन हमले को अंजाम दे सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यह हमला जम्मू कश्मीर के सांबा में 21 मार्च को सेना के शिविर पर हुए हमले जैसा ही हो सकता है। सांबा हमले में मारे गए आतंकियों में से एक के पास मिले नोट की जांच के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने यह अलर्ट जारी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को सलाह दी गई है कि किसी भी हमले से बचने के लिए एहतियात बरतने की सख्त जरूरत है। दिल्ली के नजफगढ़ के इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक भरत सिंह की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में हत्या के मास्टरमाइंड उदय वीर के अलावा सुनील सूबे और चांद इसमें शामिल हैं। इनके पास से कार्बाइन और पिस्टल बरामद हुई है। आशंका जताई जा रही है कि इस हत्या के पीछे जायदाद और आपसी रंजिश की वजह थी। 29 मार्च को नजफगढ़ में एक समारोह में पूर्व विधायक भरत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। 4 साल की एक बच्ची अपनी बकरी को पकड़ने के लिए एक घर में घुस गई। वहां पहले से मौजूद एक युवक ने बच्ची को पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे बेहोशी की हालत में उसके घर के बाहर फेंक कर चला गया। रोहतास पुलिस ने अवैध पत्थर खनन के खिलाफ अभियान चला रहे 100 से ज्यादा स्टोन क्रशर को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन कार्रवाई करने गई पुलिस का नेतृत्व कर रहे एसपी शिवदीप खनन माफियाओं के 25 राउंड से भी अधिक गोलियां इन पर चलाई गई है। हालांकि एसपी इसमें बाल बाल बच गए, लेकिन पुलिस के कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। हरियाणा पुलिस के एक एएसआई ने पंखे से फंदा लगाकर सुसाइड कर ली। मृतक एएसआई संदीप कुमार सेठ क्राइम ब्रांच रोहतक में तैनात था। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जो है वो आगे शुरू हो चुकी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। झारखंड के देवघर में बाइक सवार लुटेरों ने एक कांच व्यवसायी से 14,50,000 रुपए लूट लिए। लुटेरे फिल्मी अंदाज में लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के मुरैना में खनन माफियाओं से टक्कर ले रहे एक कांस्टेबल को अपनी जान देकर यहां चुकानी पड़ी। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल धर्मेंद्र चौहान ने रेत से भरा एक ट्रक आते देखा तो उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक रोकने के बजाय उसको रौंदते हुए निकल गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेत माफिया का शिकार बने कांस्टेबल की मौत पर दुख जताया है, इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौड ने जांच के आदेश देते हुए अधिकारियों से 3 दिनों में जांच रिपोर्ट तलब की है। बाबूलाल का यह कहना है कि रेत में माफियाओं से सरकार सख्ती से निपटेगी। और मध्य प्रदेश की तरह ही उत्तर प्रदेश के आगरा में भी चेकिंग के दौरान एक ट्रक शनिवार की रात एक सिपाही को रौंद कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ड्राइवर ने सिपाही राजवीर को ही रौंद दिया। उधर यूपी के चंदौली में छेड़खानी के एक मामले में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दरअसल अमोकपुर गांव में अपने घर में काम कर रही लड़कियों से कुछ लोगों ने बदसलूकी की जिसके बाद परिजनों ने उनको पीट दिया। थोड़ी देर बाद ये लोग कुछ और लोगों को लेकर लौटे और मारपीट करनी शुरू कर दी। गोवा के फैब इंडिया कांड में पुलिस जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरे को लेकर के एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्लान में बदलाव किया गया था। यह बदलाव जानबूझकर किया गया या अनजाने में, इसका पता लगाने की कोशिश में पुलिस जुटी। आपको बता दें कि शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गोवा के फैब इंडिया शोरूम में ट्रायल रूम के पास कैमरे को पकड़ा था, जिसके बाद शोरूम के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा पकड़ने के बाद से ही देश भर में अब छापों का दौर जारी है। रविवार को फरीदाबाद में भी पुलिस ने मॉल्स में जाकर के सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल की है। देश के कुख्यात गैंगस्टर्स में से एक अमित भूरा को पंजाब के पटियाला पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। अमित भूरा पर कई राज्यों ने लाखों रुपयों के इनाम की घोषणा की हुई है। उसके एक और साथी सचिन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटियाला के डीआईजी बलकार सिंह सिद्धू के मुताबिक भूरा को पटियाला के सदर थाने के पास नाकाबंदी के दौरान पकड़ा गया जब वो अपने साथी के साथ अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में महिला पत्रकार शारदा की मौत के मामले में मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि शादी के वक्त ही ससुराल वालों ने दहेज की मांग की थी।
गाजीपुर के युवक रामदीन की सऊदी अरब में हुई मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पोस्टमार्टम में युवक के शव के कई अंग गायब बताए जा रहे हैं। दरअसल युवक नौकरी के लिए सऊदी अरब गया हुआ था, वहां उसकी मौत हो गई थी। राजस्थान के भरतपुर में अस्पताल के बाहर खून बेचने के नाम पर ठगी का गोरख धंधा सामने आया है। फतेहपुर सीकरी के रहने वाले छत्रपाल के मुताबिक अपनी पत्नी के इलाज के लिए उन्होंने आरबीएम अस्पताल के बाहर ही खून की थैली खरीदी, जिसे कंपाउंडर ने लाल रंग बताया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के उपायुक्त डी के दीवान को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बार बार नोटिस भेजने के बावजूद हाजिर न होने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह कार्रवाई की है। सीमा पर पाकिस्तान ने फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की। यह घटना जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में नया पोस्ट पर हुई। करीब 25 मिनट तक हुई इस फायरिंग में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। पाकिस्तानी फायरिंग के बाद बीएसएफ की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान भारत में आतंकवादियों के घुसपैठ कराने के लिए इस तरह की फायरिंग लगातार करता रहता है। लद्दाख में एक बार फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे के सामने आ गए। अधिकारियों के अनुसार चीनी सैनिक ओल्ड पेट्रोल पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करते हुए 20 मार्च और 28 मार्च को वरतसे और देपसांग क्षेत्रों में आ गए थे। अधिकारियों के मुताबिक चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों को पीछे हटाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत के सैनिकों ने चीनी भाषा में लिखे बैनर दिखाकर उन्हें लौट जाने के लिए कहा। आपको बता दें कि पहले भी चीनी सेना कई बार भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर चुकी है। इसके पहले इस क्षेत्र में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अप्रैल 2013 में तंबू लगा दिए थे। इससे भारत चीन के बीच 3 सप्ताह तक गतिरोध रहा था। हिंसाग्रस्त यमन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने का अभियान पूरा हो चुका है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रविवार को ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी। यमन में फंसे हुए भारतीयों को जिबूती लाया गया है, जहां से उन्हें भारत लाने के लिए वायुसेना के विमान भेजे गए हैं। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह पिछले 5 दिनों से अभियान का जायजा ले रहे हैं। गुजरात के पीपावा बंदरगाह के पास समंदर में डूबते ओमान के जहाज से 17 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। दरअसल जहाज चट्टानों से टकराकर डूब रहा था, जिसके बाद 3 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जो कामयाब रहा। जिन 17 नाविकों को बचाया गया उनमें 10 पाकिस्तानी, 5 यमन, 1 इराकी और 1 भारतीय शामिल था। इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी जवानों की तारीफ की। 4 साल से सऊदी अरब की जेल में बंद हुकुम सिंह रविवार को जोधपुर अपने घर लौटा है। हम आपको ये भी बता दें कि हुकुम सिंह कबूतरबाजों के जाल में फंस करके रियाद की जेल पहुंच गए थे। वहां पर पिछले 4 साल से वो बंद। सलमान खान हिट एंड रन मामले में आज मुंबई के सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष इस मामले में कोर्ट में जिरह करेंगे। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में सलमान खान की गैर हाजिरी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने बचाव पक्ष को कड़ी फटकार भी लगाई थी और अगली सुनवाई में सलमान को कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश भी दिए थे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री पर्यावरण और वन मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी देश का पहला एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च करने वाले हैं। IBN 7 ने दिल्ली में प्रदूषण का जायजा लिया कि आखिर क्यों दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए अक्सर खांसी आती है, आंखों में जलन होती है, और जवाब है कि दिल्ली की हवा में अब लगातार प्रदूषण घुलता जा रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में RSPM यानी कि वो सूक्ष्म कण जो सांसों के जरिए हमारे शरीर तक पहुंचते हैं, उनकी मात्रा पिछले 7 साल में कई गुना बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने गौहत्या पर प्रतिबंध लगाए जाने का विरोध किया है। काटजू ने इस तरह के किसी भी प्रतिबंध को लोकतंत्र के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा कि गौहत्या पर प्रतिबंध की मांग केवल राजनीतिक है। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान ने केंद्र सरकार से गौमांस के निर्यात को रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि गौमांस का निर्यात रोकने अपने आप में गौहत्या इससे कम हो जाएगी। उत्तराखंड में आज फार्मासिस्ट संगठनों ने बंद का आह्वान किया है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये संगठन अपनी 18 सूत्रीय मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपनी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर के मियामी ओपन के महिला डबल्स का फाइनल मुकाबला जीत लिया है। साइना और हिंगिस ने इस साल लगातार ये दूसरा खिताब जीता है। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल सीजन 8 के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। टीम के कोच विकी पॉन्टिंग और कप्तान रोहित शर्मा दोनों ने ही इस सीजन में टीम की बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। एक बार की चैंपियन रह चुकी मुंबई इंडियंस इस सीजन से पहले ही दिन 8 अप्रैल को नाइट राइडर्स को कोलकाता में ही चुनौती देगी। मुंबई के कप्तान रोहित ने जीत की उम्मीद जताई है। आईपीएल की शुरुआत से 3 दिन पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को एक बड़ी राहत मिली है। संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन में फंसे वेस्टइंडीज के फिरकी गेंदबाज सुनील नारायण टेस्ट में पास हो गए हैं।
पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने युवा क्रिकेटर्स को घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी को गंभीरता से लेने की सलाह दी है। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स टीम को के मेंटोर करेंगे राहुल द्रविड़। और इधर भारत ने दक्षिण कोरिया को 2-2 से बराबरी पर रोककर 24वें अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत की। भारत को 10वें मिनट में निखिल थमैया ने भारत दिलाई, कोरिया ने 2 गोल दाग दिए। फिर वीआर रघुनाथ ने पेनल्टी गॉलर को गोल में तब्दील करके भारत के लिए 1 अंक तय कर दिया। मैच खत्म होने तक दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी थी और ड्रॉ से दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले हैं। भारतीय टीम अब सोमवार को न्यूजीलैंड का सामना करेगी। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं और अब खबरें मनोरंजन जगत से जुड़ी। रविवार को फिल्म ब्योमकेश बख्शी की स्टार कास्ट मुंबई में फिल्म को लेकर ऑडियंस का रिएक्शन जानने के लिए पहुंची। फिल्म के लीड एक्टर सुशांत और निर्देशक दिवाकर बनर्जी से मिलकर लोगों ने खुशी जाहिर की। निर्देशक रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले इस साल के अंत में क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। आपको बता दें कि इस फिल्म में बॉलीवुड की सुपरहिट जोड़ी शाहरुख और काजोल लीड रोल में नजर आएंगे। मुंबई में अमिताभ, अनिल कपूर समेत बॉलीवुड के कई दिग्गज एक साथ रैंप पर दिखाई दिए। बिग बी अपनी बेटी श्वेता के साथ तो शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी सोनाक्षी के साथ रैंप पर उतरे। तो वहीं अनिल कपूर अपनी बेटी सोनम कपूर के साथ रैंप पर नजर आए। इस फैशन शो का आयोजन अभिनेत्री शबाना आजमी ने किया था। 6 अप्रैल को कोलकाता में आयोजित होने वाले आईपीएल सीजन 8 की ओपनिंग नाइट राइडर्स में सैफ अली खान इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। साथ शाहिद कपूर, अनुष्का शर्मा और ऋतिक रोशन भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कंधे के सफल ऑपरेशन के बाद बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह रविवार को अपने घर लौट आए हैं। आपको बता दें कि फिल्म बाजीराव मस्ताने की शूटिंग के दौरान रणवीर घोड़े से गिर गए थे। डीआईडी सुपर मॉम ने सुशांत सिंह राजपूत ने जब गोविंदा के संग ठुमके लगाए तो सुपर मॉम भी झूम उठी। फवाद खान ने आलिया भट्ट के साथ इंटीमेट सीन्स करने से इनकार कर दिया है। करण जौहर की फिल्म में फवाद के साथ आलिया भट्ट हैं और उन्होंने ये फैसला अपने पाकिस्तान में इमेज को देखते हुए लिया। सोनम कपूर अपनी बहन रिया के साथ में मिलकर के एक फैशन ब्रांड शुरू करने जा रही हैं। सोनम अपनी पहली डिजाइन तैयार करने के बाद अपनी माँ सुनीता कपूर को गिफ्ट करना चाहती हैं। इमरान हाशमी की मिस्टर एक्स हॉलीवुड और बॉलीवुड की कुछ फिल्मों से प्रेरित बताई जा रही है। कुछ लोगों का यह कहना है कि फिल्म मिस्टर इंडिया से प्रेरित है। सनी लियोनी की लाइफ पर बनी डॉक्यूमेंट्री 2016 के सनडांस फेस्टिवल में प्रदर्शित की जाएगी। खबर यह भी है कि उनके पति डेनियल वेबर भी फिल्म डेंजरस हुस्न के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। और सारा देश तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।